अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन रहता है, पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज, ठीक है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं एक सीरीज बना हुआ है, ठीक है, जिसमें कुछ ब्लैंक बॉक्सेस है, ठीक है। सीरीज को सॉल्व करने का तरीका होता है कि सीरीज में एक पैटर्न बना हुआ है, तो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और किस तरह का पैटर्न है उसमें, अगर कोई नंबर है, ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से तो किस ढंग से बढ़ रहा है, किस ढंग से घट रहा है, ठीक है, वो हमें पैटर्न में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सीरीज में भी एक पैटर्न है, कौन सा पैटर्न देखते हैं, 100, 200, ठीक है, 600। तो इन नंबर्स को देखने से पता चलता है कि इसमें 100 100 इंक्रीज हो रहा है, यही पैटर्न है इसका, ठीक है, इसमें 100 100 इंक्रीज हो रहा है। तो जो मिसिंग ब्लैंक्स है, जो ब्लैंक्स है, ब्लैंक बॉक्सेस है, उसमें हम लोग नंबर फिट करते हैं, 100 200, उसके बाद 100 इंक्रीज हो जाएगा, तो 300 होगा, ठीक है, फिर 300, इसके बाद 400, फिर 500, 600 ऑलरेडी दिया हुआ है, 700, 800, 900, 1000, ठीक है। इस तरह से सीरीज को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसमें है राइट द नंबर नेम, ठीक है, नंबर नेम मीन्स इसको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरल फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। जैसे पहला है 600, 600 का हम लोग न्यूमेरल, ये न्यूमेरल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे वर्ड्स में, 600, ठीक है। दूसरा है 800 को भी हम लोग लिखेंगे, टोटल कितना टेंस हो गया, 2 टेंस हो गया, ठीक है।
यहां पर हम लिखेंगे टू टेंस, ठीक है। और यहां जो सिंगल सिंगल स्क्वायर आप देख रहे हैं ये वंस है, टोटल वंस कितना है, टोटल वंस हम काम करेंगे इसमें 3। तो यहां पर लिखेंगे देखिएगा, ठीक है, इसी तरह समझिएगा और उसको बुक में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।